और भाई क्या चल रहा है? जैसा कि आपको पता कि iPhone 15 सीरीज लॉन्च होने में अभी बस 7 दिन रह गए। खास चीज ये है, अब की बार एप्पल बहुत सारे चेंज करने वाला जो कि एप्पल ने कई सालों में नहीं किए थे। वेल आप भी एक्साइटेड होंगे मेरी तरह, क्योंकि iPhone 15 में काफी कुछ चीजें खास होने वाली है। वेल कुछ बैड न्यूज भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ गुड न्यूज है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको ये भी जानना जरूरी कि iPhone 15 वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, या फिर आपको दूसरे मॉडल की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्चिंग डेट क्या है, 12 सितंबर। प्री ऑर्डर कब होंगे शुरू, 15 सितंबर से। सेल कब शुरू होगी, 21 सितंबर से। तो ये सारी चीजें जो कि बेसिक है वो आपको जाननी जरूरी थी। एक और चीज जिसके बारे में बड़े रूमर्स सुने होंगे, तो आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स होंगे वो आपको अक्टूबर में देखने को मिलेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, आईफोन 15 के प्रो मॉडल्स जो कि आपको सितंबर में ही देखने को मिलेंगे, सितंबर में आप बाय कर सकते हो। अक्टूबर तक डेट नहीं लेकर जाएगा एप्पल, क्योंकि उनको पता है कि इतने दिन तक नहीं रुक सकते लोग, क्योंकि आईफोन का क्रेज ही इतना होता है, जलवा है हमारा। अगर 12 को लॉन्चिंग है, 15 को प्री ऑर्डर है, 21 तारीख को सेल होगा, देन रुक नहीं पाएंगे लोग। इसलिए एप्पल पहले ही बहुत समझदार है। एप्पल ने अब की बार क्या किया कि जो आईफोन 15 है वो ऐसा बना दिया है, जैसे कि एप्पल ने आईफोन 15 को तो ऐसा दिखा दिया थोड़ा कम, जो प्रो मॉडल्स है उनमें काफी कुछ चीजें दे दी और प्लस मॉडल में भी काफी कुछ चीजें दे दी, लेकिन जो बेस मॉडल है आईफोन 15 का उसमें 60Hz रिफ्रेश रेट। एक और चीज जो कि एप्पल ने ऐसा क्यों किया, एप्पल जो बेस मॉडल को थोड़ा हाई से दिखाकर कि इसमें तो डिसएडवांटेज ही डिसएडवांटेज है, आप प्रो की तरफ बढ़ सको। प्रो मॉडल में ज्यादा पैसा लगाओगे, प्रो में फीचर्स भी ज्यादा है, क्योंकि एप्पल ने पहले से फिक्स किए हैं। एप्पल की ये मार्केटिंग है, तो इसलिए एप्पल हमेशा प्रो मॉडल्स में अच्छे फीचर देता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा उसके। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। प्रो मॉडल में एप्पल ने क्या किया कि A17 बायोनिक चिप दे दी, जो कि 3nm पर बेस्ड है। एप्पल के फोन जाने जाते हैं परफॉर्मेंस के लिए, अब परफॉर्मेंस आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगी। जैसे कि बेस मॉडल में A16 बायोनिक चिप दे रखी है, पुरानी, जो कि आईफोन 15 में देखने को मिलती है, लेकिन प्रो मॉडल में A17 बायोनिक चिप दे, ये इसलिए ताकि लोग प्रो मॉडल्स की तरफ बढ़ सके और लोगों को चाहिए परफॉर्मेंस, कैमरा, एक दो चीजें हैं, प्राइस रेंज, इसीलिए लोग आईफोन बाय करते हैं। तो एप्पल ने पूरा दिमाग से खेला, अब की बार एप्पल ने बड़ी चीजें चेंज कर दी है। इसके साथ एप्पल को एक बहाना मिल गया कि प्राइस रेंज हाई करने का, और अब की बार एप्पल ने वही किया, प्राइस रेंज हाई कर दी। हाई कैसे कर दी प्राइस रेंज, चलो मैं आपको बताता हूँ। अब की बार आईफोन 15 के मॉडल $200 से $250 महंगे देखने को मिलेंगे, एज कम्पेयर टू 14 सीरीज $200 से $250 महंगे देखने को मिलेंगे। अब इंडियन करेंसी में बोले तो सीधा सीधा 15-16 हजार रुपए महंगी देखने को मिलेगी आपको आईफोन 15। और खास चीज ये है, एप्पल को बहाना भी मिल गया, एप्पल को बड़ा बहाना मिल गया कि जो पिछले कई सालों से हमने चेंज नहीं किए थे, जैसे कि USB-C पोर्ट आने वाला कितना बड़ा चेंज किया एप्पल ने, टाइटेनियम बॉडी फ्रेम, एक्शन बटन, डायनेमिक आइसलैंड फीचर, जो कि 14 के प्रो मॉडल्स में देखने को मिला था, लेकिन अब की बार 15 के सभी मॉडल्स में देखने को मिलेगा, ये भी बड़ा चेंज किया है। जाहिर बात है एप्पल चलता अपने दिमाग से, तो चलाना एप्पल अपने दिमाग से, जो फीचर्स हैं इनको दिखाकर प्राइस रेंज उन्होंने हाई कर दी। बात भी एप्पल की सही है वैसे देखा जाए तो, बात तो सही है, क्योंकि इतने सालों से जो चेंज नहीं किए थे अब की बार चेंज देखने को मिलते हैं, और इसी बहाने उनको मौका मिल गया प्राइस रेंज इंक्रीज करने का। तो आपको पता तो चलेगा बैड न्यूज क्या है, एक भैंस बेचनी पड़ेगी या फिर किडनी निकालनी पड़ेगी, इन दोनों में से एक काम होगा। चलो वो तो बात की बात है, लेकिन अब बात है गुड न्यूज, क्या कुछ गुड न्यूज है ताकि आप आईफोन बाय कर सको। और आईफोन जिसको बाय करना होगा वो तो बाय करेगा, 2 लाख भी हो जाए इसकी प्राइस रेंज, जिसको अपनी गरीबी दिखानी है मेरी तरह वो तो दिखाएगा ही। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। वेल चलो कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, न्यू चीजें आने वाली हैं। अब की बार आईफोन 15 सीरीज में जो आईफोन होंगे लाइट वेट देखने को मिलेंगे, स्लिम देखने को मिलेंगे, एज कम्पेयर टू 14 सीरीज बेजल्स हैं वो कम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कंपेयर करें आईफोन 15 सीरीज से, आईफोन 15 प्रो में 1.55mm की बेजल्स देखने को मिलेंगी एज कम्पेयर टू 14 प्रो, क्योंकि 14 प्रो में 2.1mm की बेजल्स देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा गैप आ गया, और काफी कुछ चीजें चेंज देखने को मिलेंगी, जैसे कि 48 मेगापिक्सल कैमरा नेसेसरी फॉर ऑल मोड। वही बात करें हम स्टोरेज बढ़ा दिया गया है, 1TB से 2TB तक कर दिया गया है। अब की बार आईफोन 15 में 2TB का स्टोरेज देखने को मिलेगा। वैसे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप 2TB स्टोरेज कितने साल में भर सकते हैं। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सामने आई हैं, जैसे कि बैटरी कैपेसिटी की बात करें, एज कम्पेयर टू 14 सीरीज बैटरी कैपेसिटी में काफी कुछ इंक्रीज देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एप्पल को थोड़ा बहाना मिल गया अब की बार प्राइस रेंज इंक्रीज करने का, बैटरी कैपेसिटी में काफी गैप दिया गया 14 सीरीज के मुकाबले। आईफोन 15 में आपको 3877mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, आईफोन 15 प्लस में आपको 4912mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, वहीं आईफोन 15 प्रो में आपको 3650mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी, और प्रो मैक्स में आपको 4852mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी। ये पहली बार किया एप्पल ने, एप्पल अब की बार हिस्ट्री बनाने वाला है। हर बार ट्रोल किया जाता था आईफोन को लेकर कि आईफोन में देखो 3300mAh की बैटरी, 3200mAh की बैटरी, लेकिन एंड्रॉइड में 6000mAh तक बैटरी पहुंच चुकी है, 5000mAh तक बैटरी है, काफी गैप हो जाता था, लेकिन अब की बार ऑलमोस्ट 5000mAh बैटरी पहुंचाई दी, 4912mAh देखने को मिलेगी प्लस मॉडल। अब देख लो 5000mAh और 4912 में कितना गैप है, ऑलमोस्ट पहुंचा दिया एप्पल ने अब की बार एंड्रॉइड के बराबर बैटरी कैपेसिटी। वेल आपने सुना होगा कि आईफोन 15 सीरीज के अंदर म्यूट बटन की जगह एक्शन बटन देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक्शन बटन किस काम का, वो 10 चीजें कौन सी है जिससे कि आप एक्शन बटन से यानी कि साइड वाला बटन दबाओगे आप
उससे आप एक्सेस कर सको। एक्सेसिबिलिटी, शॉर्टकट्स, साइलेंट मोड, कैमरा, फ्लैश लाइट, फोकस मोड, मैग्नीफायर, ट्रांसलेटर, वॉइस मेमो, ये सारी चीजें आप एक्शन बटन से एक्सेस कर सकते हो। बड़ा अच्छा फीचर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि म्यूट बटन की जगह एक्शन बटन हट जाएगा तो म्यूट वाली चीजें नहीं कर पाएंगे। इसमें भी है, इसमें अलग से ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे ये मैंने 10 चीजें बताई है, इन्हीं चीजों में म्यूट बटन वाला फीचर दे दिया गया कि आपको साइलेंट रखना फोन या फिर आपको नॉर्मल मोड पे रखना है। ये सारी चीजें इसी में दे दी गई है एक्शन बटन के साथ साथ, पूरा एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए गए। वैसे आपने एक चीज सुनी होगी कि जो टाइप सी देखने को मिलेगा, लेकिन टाइप सी में आपको अलग अलग केबल्स देखने को मिलेगी, जैसे कि हर केबल अलग कलर की होगी। ये भी सुना होगा आपने, और आपने ये भी सुना होगा कि केबल जो कि 1.5 मीटर लंबी होगी। लेकिन एक और चीज जो कि एप्पल ने अब की बार गड़बड़ कर दी, वो ये कि जो केबल्स होंगी उनकी चार्जिंग कैपेसिटी 150 वोल्ट तक होगी, लेकिन एप्पल वालों ने लिमिट लगा दी कि आप केवल 35 वोल्ट तक ही चार्जिंग कर सकोगे। ऐसा क्यों कर रहा है यार एप्पल, क्यों कर रहा है? अब की बात तो प्राइस रेंज भी बढ़ा दी, फिर भी मतलब वही चीजें बार बार कर रहा है। वो लिमिट तो लगा दी इन्होंने चार्जिंग की, लेकिन एक और बड़ा गैप दे दिया गया बेस मॉडल के अंदर और प्रो मॉडल के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अपनी मार्केटिंग चमकाने के लिए। जैसे कि 15 में USB 2.0 केबल होगी, उससे आप 480 Mbps/s डेटा ट्रांसफर कर सकोगे। वही बात करें हम प्रो मॉडल्स में, थंडरबोल्ट केबल देखने को मिलेगी, उसके हेल्प से आप 40 GPS की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकोगे। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग है एप्पल की, जैसे कि बेस मॉडल को बिल्कुल ही ऐसा दिखा दिया और प्रो मॉडल को बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया, ताकि बेस की जगह प्रो मॉडल्स की तरफ लोग जा सके। वेल, अब बात करते हैं कलर्स की। कलर्स के मामले में भी कुछ बैड न्यूज है और कुछ गुड न्यूज है। जैसे कि बेस मॉडल्स में से पर्पल और जो रेड कलर होता था 14 सीरीज में, वो हटा दिया गया। अब की बार 15 सीरीज में उनकी जगह ऑरेंज कलर देखने को मिले। वही बात करें हम प्रो मॉडल्स की, प्रो मॉडल्स में से गोल्डन कलर हटा दिया गया, उसकी जगह लाइट ग्रे कलर देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा सा हल्का व्हाइट होगा और थोड़ा सा ग्रे ऐसा नजर आएगा। काफी मजेदार सीरीज होने वाली, जैसे कि कैमरा बम थोड़े बार देखने को मिलेंगे अब की बार। और वैसे आईफोन 15 सीरीज के जितने भी मॉडल होंगे स्लिम होंगे थोड़े हैं एज कम्पेयर टू 14 सीरीज। काफी कुछ चेंज किए हैं अपने अब की बार, जो कि कभी नहीं किए थे। प्राइस रेंज के अंदर भी बड़े बड़े चेंज कर दिए गए, जैसे कि प्राइस रेंज में अब की बार 14 के मुकाबले 15 सीरीज महंगी देखने को मिलेगी। लोगों के मन में अभी भी कंफ्यूजन है कि 14 सीरीज की तरफ जाए या फिर 15 सीरीज की तरफ जाए, क्योंकि 14 सीरीज सस्ती देखने को मिलेगी। वहीं बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि 13 सीरीज की तरफ जाए। इस वीडियो का ये पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ये बड़ा काम का है। अच्छा ठीक है, समझ गया। अगर आपको आईफोन लेना है, चाहे आपको 13 लेना हो या फिर 14 लेना हो, 15 लेना हो, देन ये चीज आपको जरूर देखनी चाहिए। आपके भी मन में कंफ्यूजन होगी कि 14, देखिए 14 सीरीज को तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, इसलिए कह रहा हूँ 13 में जो ऑलमोस्ट फीचर्स है वही 14 सीरीज में देखने को मिलते हैं। बस डायनेमिक आइलैंड का फीचर हो गया, एक दो और फीचर हो गए, कुछ ज्यादा नहीं। लेकिन इन फीचर्स के लिए आप 13 के मुकाबले 14 की बात करूं मैं, 14 में आप कहीं ना कहीं 10,000 रुपए ज्यादा लगा दोगे। इतना गैप हो जाएगा हर मॉडल के साथ। सो अगर आप आईफोन बाय करना चाहते हो, 14 सीरीज तो हमने साइड में कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं 13 और 15 सीरीज में से। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर कि आपका बजट कितना है, यानी कि अगर आपका बजट 1,00,000 रुपए से कम है, देन आप 13 सीरीज की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि जो 13 सीरीज के प्रो मॉडल्स होंगे काफी कुछ ऑफर्स देखने को मिलेंगे आपको बिग बिलियन डेज सेल के दौरान और अमेजन सेल के दौरान। 1,00,000 रुपए से नीचे आ जाएंगे प्रो मॉडल्स। वही बात करें हम 15 सीरीज की, जिसके पास अच्छा खासा पैसा होगा या फिर जिसको लेना ही होगा, चाहे 2,00,000 रुपए का हो जाए आईफोन 15, तब भी वो उसको बाय करेगा। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वैल्यू फॉर मनी है आईफोन 15 सीरीज एज कम्पेयर टू प्रीवियस सीरीज, जैसे कि 13, 14, 12 सीरीज। इनके मुकाबले आईफोन 15 सीरीज वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि अब की बार काफी कुछ चेंज किए गए कई सालों के अंदर। सो अगर आप पैसा लगाना चाहो तो 15 पे लगा सकते हो, प्लस वैल्यू फॉर मनी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप वैल्यू फॉर मनी चाहते हो फिर भी और बचत करना चाहते हो, देन 13 की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन मेरा ये मानना है थोड़े दिन और वेट कर लीजिएगा, उसके बाद आईफोन 15 सीरीज भी सस्ती हो जाएगी, देन उसकी तरफ आप बढ़ सकते हो। और अगर आप 13 सीरीज की तरफ जाना चाहो, 13 सीरीज की तरफ बढ़ सकते हो। फिलहाल आप बताइए कि आईफोन का आपका फेवरेट मॉडल कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और जो नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।